खाने में मैंने लिया ये लहसुनी पालक पनीर और सैलड। और यार सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, दिक्कत ये हो गई है कि तो मैं इनको साथ में देता हूँ और देखते हैं ये क्या बोलती है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग सब? और मैं हूँ एक नए ट्रिप की शुरुआत करने जा रहा हूँ, और अभी मैं हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 पर। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारा ड्यूटी फ्री एरिया है। तो फिलहाल यार अभी मैं जा रहा हूँ जो प्लाजा लॉन्च होते हैं, तो वहाँ चल के मैं आपको सारी बात बताता हूँ। तो गाइस मैं लॉन्च के अंदर आ चुका हूँ, और ये एग्जैक्टली पूरा लॉन्च है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब खैर नॉर्मल है। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, मैं करीब 11 बजे यहाँ पे आ गया था। सुबह 5:30 की मेरी फ़्लाइट है, और स्टार्ट करते हैं बोर्डिंग पास। डॉक्यूमेंट्स जो हमसे मांगे गए थे वो थे थाई पास और फ्लाइट टिकट रिटर्न और बुकिंग टिकट्स आपका होटल का, और जो तीसरा था हमारा टिकट हो गया, चौथा था हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल पास। तो वो उसके बाद हमारा हुआ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ने बस सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, और उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था। एंड लास्ट कस्टम, कस्टम क्लियर होने के बाद करीब इस टोटल प्रोसेस में मेरे को लगा 1 से 1.5 घंटा आप मान सकते हैं, क्योंकि बिकॉज लाइन बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ प्रीमियम लॉन्च में। तो ये कुछ ऐसा लॉन्च दिखता है, उधर खाना है और इधर आपका पूरा रेस्ट एरिया है। तो चलिए मैं तो एक बार जो है लॉन्च दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। जस्ट अ सेकंड। चावल, दाल और मटर पनीर एंड ये पैनकेक्स हैं, और ये शायद मुझे पनीर लग रहा है। ये है मुर्ग मखाने, आई थिंक इट्स नॉन वेज। एंड यहाँ पे इधर ये है चाय, एंड बेसिकली आप ये सब ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं कुछ खाने के लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस खाने में मैंने लिया ये लहसुनी पालक पनीर और सैलड और थोड़े से दाल और चावल। तो वो लेस चेक करते हैं कि खाने का जो टेस्ट है वो कैसे हो। टेस्ट सही है। तो गाइस अगर लॉन्च की मैं बात करूं तो लॉन्च का खाना सही था, सिंपल था, अच्छा था। और 25 रुपीज़ का डिडक्शन होता है आपके कार्ड में। आपका कार्ड लेते हैं, चेक करते हैं, अगर वो एलिजिबल है तो अप टू 2 आवर्स 2 घंटे तक आप वहां पे रह सकते हैं। ये पूरा जो एग्जैक्टली है ये आपका ड्यूटी फ्री एरिया आ चुका है। तो गाइस फाइनली पेट पूजा करते हुए और ड्यूटी फ्री से होते हुए आपने शॉर्ट्स देखे, फाइनली हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। और यहाँ से हमको जाना है, हमारी फ़्लाइट है सीधा, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर यहीं पर वेट करते हैं और फिर फ्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। गाइस फाइनली हम थाईलैंड में लैंड हो चुके हैं। तो वेलकम टू थाईलैंड, लैंड ऑफ स्माइल्स। और उन्होंने मेरे को हाथ में ये एक फॉर्म दिया है, तो ये फॉर्म आई थिंक हमको लास्ट तक रखना पड़ता है। और ये वीज़ा ऑन अराइवल की शेयर्स लगा रखी हैं। चलिए थाई पास के लिए हम चेक कराते हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं और वीज़ा ऑन अराइवल। हेलो, यस, थाई पासपोर्ट थैंक यू सो मच, वी हैव टू सी फादर। ओके थैंक यू। तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाया एंड अब हमें सामने जाने का बोला है, उधर जाना अपने को सामने। अब हमें वीज़ा ऑन अराइवल के फॉर्म भरना पड़ेगा बेसिकली, सो लेट मी चेक इट। आई थिंक यहीं पर हमको ये फॉर्म भरना है। तो गाइस मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म दिया गया है, ठीक है, ये वीज़ा ऑन अराइवल। तो इस वीज़ा ऑन अराइवल का पूरा फॉर्म भरना है, फ़ोटो के साथ हमको वीज़ा काउंटर पे सबमिट करना है। तो अब प्रोसेस मैं पूरा करता हूँ, ठीक है। प्रोसेस पूरा करने के बाद मिलते हैं आपसे आगे।
यार सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, दिक्कत ये हो गई है कि जो बॉटल है ना वो नहीं मिल रही है, आई थिंक कहीं रह गई है। यहाँ से मैंने अपना बैग उठा लिया है और मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आई उसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा कि फर्स्ट फ्लोर कहाँ मिलेगा। बेसिकली कंफ्यूज आ गए हैं थोड़ा सा यार। लेंथ ऑफ दिस काउंटर, एक्सक्यूज मी, इन्हें भी नहीं पता यार। बोतल खो गया, दिल टूट गया बहुत ज़्यादा ना, तो देखना पड़ेगा। ये है यू बॉर्न का। अब पहले मैं जाकर सबसे पहले ट्राईपॉड हिलाना पड़ेगा यार, ये मसले हो जाते हैं ना, दिल टूट जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे इस वन बस लेनी है। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो टू फर्स्ट फ्लोर। फ्रॉम हियर फर्स्ट फ्लोर, थैंक यू भाई। फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ से बोला है पे बहुत सारे डी ट्रैक और AIS है, बट मैं जो हूँ सिम यहाँ से नहीं ले रहा, मैं लूँगा 7-11 से, क्योंकि वहाँ से बहुत चीप पड़ता है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। दे टोल्ड मी दैट दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, स्लोली आई हैव टू टेक द बस, पब्लिक बस। Yeah. Where you go? To Khaosan Road. Khaosan Road? Yeah. I have to go further? Yeah. Over there. Yeah. Door 4. Exit. Okay. Yeah. पुलिस वाले भाई साहब ने बताया कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे फोर्थ डोर से एग्जिट लेना। यार ये लिखा है पब्लिक टैक्सी, ठीक है। पहले आप एयरपोर्ट देख लीजिए, एयरपोर्ट तो भाई सुंदर बनाया हुआ है, गजब है। वो टैक्सी हैं, उन टैक्सी को मत लीजिए, वो 600-700 भाट खा जाएंगी आपके। हेलो मैम, आई हैव टू टेक द पब्लिक बस S1 फॉर Khaosan Road। S1 विट नंबर ओके ओके ओके। इन हाउ मच टाइम इट विल कम? ओके, थैंक यू। तो मैडम ने बताया कि यार आएगी तो, बट कितनी देर में आएगी ये नहीं पता, तो वेट ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। वेट करने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमें सीधा अपने हॉस्टल जाना है। तो लेट्स, आई हैव टू वेट देन, एंड वेट वेट वेट, वो आ गई आई थिंक वो ही है पब्लिक बस। यहाँ ये देखो गाइस, ये लिखा, ये रहा S1 लाइन Khaosan Road, नॉट इट। ये आ गई, किस्मत है बाबा, किस्मत है, बहुत सही चीज है यार। ये रही 60 वाट। हेलो मैम, आई एम Khaosan Road। या हेलो सर। गाइस फाइनली किस्मत थी, जैसी मैं आया तुरंत बस मिल गई, तो यहाँ बैठ जाते हैं, बस सीट लेते हैं, अच्छा रहेगा। 60 वाट मेरे को बस में लगेंगी, पौना घंटा तो अपने को लगेगा, ठीक है, यहाँ से और Khaosan Road तक पहुँचने में। मीन्स यहाँ पर मेरा हॉस्टल है, मेरे पास है 1000 का नोट, तो मैं इनको साथ में देता हूँ और देखते हैं ये क्या बोलते हैं। Asking me to what to do now. You don't have change. Now. Let me check. How much do you have? 100. No, what else? 1,000. शायद ये आंटी जी वहाँ गई हैं और ये कुछ आई थिंक जुगाड़ कर रही हैं कि यार मेरे 1000 का नोट का खुल जाए, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक यार मैं 60 रुपये देने हैं मेरे को और मैं उसे 1000 रुपये दे रहा हूँ। आंटी जी टोटली कन्फ्यूज हैं कि यार मैं क्या करूँ और कैसे करूँ, यहाँ मतलब मैं बैठी हैं उनके पास भी एक्चुअली चेंज नहीं है। तो थैंक यू सो मच। 65 या थैंक यू सो मच। मैंने लीजिए, इन्होंने अपनी हेल्प कर दी है, थैंक यू सो मच। ये मिल गए 940 रुपये मिल गए सच में, और बहुत मज़ा आया, मतलब
अलग एक्सपीरियंस में। सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरे को 1000 का छुट्टा मिल जाएगा, बट फाइनली आई गॉट इट एंड थिंग इज दैट। तो अब चलिए चलते सीधा खावसान रोड अपने हॉस्टल। थैंक यू सर। वेलकम टू थाईलैंड जी, लैंड ऑफ स्माइल्स। तो ये बस्ती हमारी, ठीक है, S1 जो सबसे चीपेस्ट भी है आपका खावसान रोड तक आने का। तो अब हमें पूछना है कि नाग पार्क हॉस्टल कहाँ पर है। नाग पार्क हॉस्टल, लेट मी आस्क। हेलो, एक्चुअली आई नीड टू गो टू दिस हॉस्टल नाग पार्क। हाँ, नाग पार्क हॉस्टल। या Google Map? Yeah. Actually, I don't have internet. Just give me one second. I'm having, I think, offline map. NAP, N-A-P? I see. भाई साहब ने बताया कि आगे जाके जो है मेरे को राइट होना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा। करीब 1.5 घंटा मेरे को लगा एयरपोर्ट से खावसान रोड तक आने में। मजबूर अपना 7-Eleven और नेपा देखना पड़ेगा, नेपा किस तरह है। और चेक इन का मेरा टाइम भी होने वाला है क्योंकि नेपाक में थोड़ा लेट चेक इन होता है 2 बजे। ये अपना नेपाक हॉस्टल, चलिए पहले चेक इन कर। हेलो, या चेक इन एग्जैक्टली। तो गाइस हाल कुछ ऐसा है यार कि मैं फ्रेश अप हो चुका हूँ ना, के बहुत गर्मी थी, फिलहाल भी गर्मी है यार। और इन पता नहीं कुछ अजीब सा ही रूल है इनके हॉस्टल का कि 12 से 6 जो है एसी ऑन नहीं करेंगे। 7-Eleven, ठीक है, और सिम लेते हैं और कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना अंदर कि इससे बेटर लग रहा है कि बाहर ही बैठे, जब तक एसी नहीं चलेगा ना यहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो ये खावसान वाला ही एरिया है, यहाँ पे ऐसी शर्ट्स हो गई आपकी। स्ट्रीट फूड जो है इससे गली अगली गली 5 मिनट के करीब ही खावसान है, ठीक है। बस वहाँ पर शाम को हैपनिंग होता है, शाम को चलेंगे तो पहले 7-Eleven पर चल लेते हैं एक बार। Excuse me, I need to have sim. Which is the cheapest one? We get unlimited data. In true move. For how many days? 30 days. 30 days. Not less plan. Less days. No. Currently अभी 8 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ खावसान रोड पर। गाइस ये खावसान रोड, अभी फिलहाल इतनी ज़्यादा जो है भीड़ नहीं है, बट फिर भी चलते हैं और देखते हैं। रात का 1 बज चुका और यही है अपने को खावसान रोड, आप पीछे देख सकते हो और आगे भी आपको दिखाता हूँ मैं कितनी अमेजिंग यहाँ पे पार्टी, पूरा पार्टी वाला कहते हैं ना, पूरा पार्टी वाला माहौल रहता है। तो अभी मैं करंटली हॉस्टल जा रहा हूँ, मज़ा बहुत आया यार। एक्चुअली अभी करंटली यहाँ पे से हाई बार है खावसान रोड के ऊपर, तो हम वहीं सब पे जितने अपने हॉस्टलर्स हैं, शॉर्ट्स आपने पहले देखे ही होंगे। सो हाउ वाज योर पार्टी एट खावसान? I am so drunk. तो गाइस फाइनली 2 बज चुके हैं और हम वापस अपने हॉस्टल आ गए हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉग पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।